इन तीन हरूफ को आप खींचते हैं, लीस्ट टू हरका। इसके अलावा भी हम कुछ लेटर्स को खींचते हैं और वो हैं, उन्हें हम कहते हैं हरूफुल लीन। ये थे हरूफुल मद। हरूफुल लीन कौन से होते हैं? ये दो हैं। हरूफुल मद को भी खींचते हैं, इनको कम से कम दो हरकत खींचते हैं, और हरूफुल लीन को खींचते हैं, हरूफुल लीन दो होते हैं। अगर वाव साकिना से पहले फतहा आ जाए या फिर या साकिना से पहले फतहा आ जाए, वाव साकिना से पहले फतहा या साकिना से पहले फतहा, ये अब आय नंबर 7 में एक वर्ड आ रहा है, फतह अल कौमा, अल कौमा। यहाँ पर वाव साकिना से पहले कौफ के ऊपर फतहा है। इसको भी आप थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, इसकी जो कम से कम लंबाई है ये दो हरकत से कम होती है। अल कौमा, इसी तरह से कुरोई शिन या वाव के साथ ठीक है, तो वाव साकिना से पहले अगर फतहा हो या साकिना से पहले फतहा हो तो ये हरूफुल लीन कहलाते हैं। इन्हें भी हम खींचते हैं, मगर इनकी कम से कम लंबाई कितनी होती है? 1 हरका से ज़्यादा और 2 हरकात से कम, इन बिटवीन 1 एंड 2। 1 हरकत से ज़्यादा पड़े जाते हैं और 2 हरकत से कम पड़े जाते हैं। इन्हें हम मद्दम मा भी कहते हैं, ये मद नहीं है ठीक है। मद लेटर्स जिन्हें हम खींचते हैं उनकी कम से कम लंबाई 2 थी, वो सिर्फ 3 थे। ये लीन लेटर्स हैं, इन्हें हम मद से कम खींचते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं मद्दम मा। यानी वो लेटर्स जो लाइक मद, मद तनवीन के साथ फतहा तान मद्दन मा, मद जैसे लाइक अ मद, एग्जैक्टली नॉट अ मद बट लाइक अ मद, मद्दम्मा। तो इन्हें भी खींच के पढ़ा जाता है। इनको हम यूजली जैसे कुरैशिन पउमा वसाऊ, यानी हम इनको एक हरकत से ज़्यादा और 2 हरकत से कम खींचते हैं, मगर किसी ख़ास सरकमस्टेंस में ये मद भी बन जाते हैं। ये लीन लेटर्स कुछ ख़ास ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें ये मद के बराबर चले जाते हैं, और वो सर्कमस्टेंसेस भी हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक से पढ़ना शुरू करेंगे कि कब इनको 2 खींचा जाए, कब इन्हें 2 से ज़्यादा खींचा जाए इंशाल्लाह।